शेख हमारे बाद भाई जो है ना कुरा आते हैं, करात करते हैं पंजाबी लहजे में। एक तो सवाल ये है और दूसरा क्या जब कारी करात करता है लंबी मद करता है तो एक आयत पढ़ रहा था या अय्युहल काफिरून, पीछे से भाई कह रहे सुभान अल्लाह, और इस बारे में वजाहत करें अल्लाह का करो। ये दो बातें आपने अभी पूछी हैं, एक तो ये है कि वो उलमा जो पंजाबी लहजे में कुरान पढ़ते हैं, कुरान मजीद का ये वस बयान हुआ है बिलिसानिन अरबियिन मुबीन, कुरान अरबी जुबान में नाजिल हुआ है और अरबी जुबान में टेढ़ी मेढ़ी नहीं मुबीन, इसलिए कुरान मजीद को अरबी जुबान में ही पढ़ना चाहिए। ज़य्यन अल-कुरान बिअस्वातिकुम फ़इन्ना सौत अल-हसन यज़ीदुल कुरान हुस्ना, कुरान मजीद को जीनत के साथ पढ़ो, अच्छी आवाजों के साथ पढ़ो, जो उसकी जीनत को और ज्यादा कर देता है। अब अंदाजा कीजिए कि इंसान जब पढ़ रहा होता है रियाकारी का बहुत शुबा होता है, लेकिन इसके बावजूद क्या कह दिया, मन लम यतगन्न बिल्कुरान फलैस मिन्ना, जो इसको खूबसूरत पढ़ता नहीं वो हमारी उम्मत से खारिज है, इतनी ताकीद आई है। लेकिन यहां मैं दो पहलू पेश करूंगा, पहला पहलू यह है उलमाए किराम से इंतहाई अदब से, इंतहाई एहतराम और इकराम से गुजारिश करनी चाहिए, और वो गुजारिश वही करे जिसकी वह बात सुन सके। आम बंदे को इस बारे में किसी पे कलाम करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वो इस बात को खुद समझे आलिम, कि मैं आलिम हूं तो आलिम का मतलब है कि कुरान के इलम को जाने, जो कुरान को सही पढ़ना नहीं जानता वो क्या जानेगा, एक बात। और अगर किसी को नसीहत का मौका मिलता है अकेले इंतहाई एहतराम के दायरे में रह के उनसे गुजारिश करे कि कुरान की आयत आपने इस तरह पढ़ी है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जहां ये बात कभी ना भूलिएगा, हम सिर्फ चाहते हैं कुरान को कुरान पढ़ा जाए, तर्जों में पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, क्यों, आपको शायद इस बात का इल्म होगा, कुछ बातें झटकी बड़ी समझ आती हैं, सांप निकालना हो ना तो बीन बजानी पड़ती है, गांव देहातों में अगर सही इस्लाम पहुंचाया है तो इन्हीं उलमा ने पहुंचाया है, जहां उर्दू बोलने वाले और तर्ज ना बनाने वाले नहीं पहुंच सके, ऐसा ही है ना, इसलिए उनकी खिदमात को नहीं आप जुटला सकते, उनकी खिदमात है। लेकिन चूंकि हम चाहते क्या है खैर, हम चाहते क्या है बुलंदी, इसलिए कुरान को ना बिगाड़ा जाए, बल्कि हकीकत बात तो यह है कि कुरान की समय, चूंकि मजलिस खासी हमारी लंबी हो गई है, मैं आपको मिसाल कुछ दे दूं तो आप समझ जाए कि असल बात क्या, अजान को देख रहे हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, और इसको पढ़ा जाए अल्लाह अकबर, इब्ने बाज रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं जायज नहीं है, क्यों, अकबर ये कुबर की जमा है और कुबर तबल को कहते हैं, यानी अल्लाह बहुत बड़ा ढोल है, नाउज़ु बिल्लाह, यानी अल्लाह सुबहानहू व तआला, ये जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, हमीद यहमदु हा है, क्योंकि अल्फाज के ही मानी होते हैं, इसी को हम पढ़ दें अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है पूरी दुनिया का धुआं अल्लाह के लिए है। अब देखें इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, क़ादर या क़दीरु से है कि अल्लाह हर चीज पे क़ादिर है, इसको आप छोटे काफ से पढ़ दें जिससे किताब लिखी जाती है, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखने वाला है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कुल हु अल्लाह अहद, कहो अल्लाह एक है, अब क़ाल यक़ूलु से कुल अमर है, अल्लाह की तौहीद है, और कहा जाए कुल हु अल्लाह अहद, अकल यक़ूलु से भी कुल, खाओ अल्लाह एक है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, हा के साथ, हा जिसके साथ हलवा लिखा जाता है, इसका मतलब है कुर्बानी कीजिए, यही तो एक नस है कुर्बानी पे, इसको पढ़ें फसल्ले रब्बे का वन हर। मैं एक मिसाल पेश कर रहा हूं, क्या मतलब होगा, मेरे प्यारे पैगंबर अपने रब की नमाज पढ़िए और अपने रब को डांटिए, हाँ नहारा या नहारो अमसाइला फला तनहर, कुरान में आए थे, जब सवाली आए तो डांटिए ना, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि हदीस को पढ़ते वक्त भी इंसान अगर ख्याल ना करे तो मानी बिगड़ जाते हैं। मैं एक मिसाल पेश करता हूं, शायद आपके पास केस में भी हूं, हदीस पढ़ने वाला पढ़ता है अताइबु मिन ज़म्बे कमल्ला नबलहू, अब अताइबु मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्बलहू का मतलब है जो गुनाह से तौबा करता है उसका कोई गुनाह नहीं रहता, पाक हो जाता है, उसने सिर्फ जबर पड़ी है मल्ला जाना बला हूं कि जो तौबा करता है वो तो ऐसे हो जाता है जैसी उसकी दुम ही नहीं है। देखिए हदीस के मानी में भी इख्तिलाफ आ जाता है, कहने का मतलब यह है कि इस तरह की
तर्ज जिससे कुरान के मानी में बिगाड़ आ जाए कत अंजाइज नहीं है। सही हुलजा में सिलसिला सहीह की रिवायत को याद कर लीजिए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद एक शख्स को पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, इन्नमा सदकातु लिलफुकरा वल मसाकीन। जब उस शख्स ने पढ़ा मद नहीं की, मद करें न करें माने में तब्दीली नहीं आती, हमने तो माने की तब्दीली की मिसालें दी, यहां माना में तब्दीली नहीं आती। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने साफ इनकार कर दिया, कहते मा हकदा अक्रअनीहा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने मुझे ऐसे पढ़ाया ही नहीं है। वो कहते हैं या अबा अब्दुर्रहमान वकैफ अक्रअकह, आपको कैसे अल्लाह के रसूल ने पढ़ा बताइए। वही आयत पढ़ी फमद्दहा और मद करके पढ़ी। सहाबा इतनी भी इजाजत नहीं देते थे कि जिसमें मद है वो छोड़ दी जाए, ये कैसे इजाजत होगी कि जैसे मर्जी पढ़ ले उसको। रही दूसरी बात, जिस वक्त मुसीबत आ चुकी है कि एक शख्स कुरान की आयत पढ़ रहा है, सुनने वालों को चूंकि शऊर नहीं होता, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शोर मचा हुआ है, सुभान अल्लाह, कुरान की आयत जो इंसान सुनता है उसके मानी पे गौर करे। और सही बात मेरे भाई ने बयान की कि वो कह रहा होता है वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। तो लोग क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह मौजा हो जाएंगी यहां, यही माना है ना उसका। भाई जब अजाब की आयत आए तो अल्लाह से पनाह मांगो, अल्लाह हमें महफूज फरमाए। जब जन्नत की आयत आए तो अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाए। तो ये जो तरीका आ चुका है ये तरीका दुरुस्त नहीं है, ये कुरान के साथ तलाउब है, कुरान का एक तकद्दस है, उसको बाकी रहना चाहिए। अल्लाह